हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल उत्तर जीके ट्रिक में स्वागत है। आज जो है मैं करंट अफेयर के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, आज की क्लास जो है बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। जैसे कि आपको मालूम है, यूपी पुलिस में जो है एक बहुत बड़ा विज्ञापन आपके सामने है, तो यहाँ से करंट अफेयर में जो है आपको 2-4% यानी कि बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। 8-10% करंट अफेयर से मिलेंगे। चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 2023 खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहाँ किया जाएगा। यानी 2023 में जो है, 2023 के जो है जनवरी उसमें होने हैं, जनवरी 2024 को, यानी जनवरी 2024 में होने हैं ये यूथ गेम, तो इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। इनमें कर्नाटक, डी माता हमारा मध्य प्रदेश, और सी माता तमिलनाडु, और डी माता है गुजरात। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, यानी तमिलनाडु में जो है 2023 खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किया जाएगा। पिछले वाले जो हुए थे, यानी पांचवा जो क्रम हुआ था, मध्य प्रदेश में संपन्न हुआ। कहां पर हुए थे? मध्य प्रदेश। यहां से ये भी याद रखना है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट आता हमारा, कोटक महिंद्रा बैंक के नए अध्यक्ष कौन होंगे। यानी अगले जो है कोटक महिंद्रा बैंक के नए अध्यक्ष बनने हैं, और ये कौन होंगे? ए में है सी एस राजन, और बी माता महेश वर्मा, सी माता कपिल वर्मा, और डी माता अरुण गोयल। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, यानी सी एस राजन कोटक महिंद्रा बैंक के नए अध्यक्ष होंगे। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, अमृत भारत एक्सप्रेसवे का शुभारंभ किया गया, शुभारंभ कहां से किया गया। यानी इसका जो शुभारंभ किया है, भारत के प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है। नरेंद्र मोदी ने यहां से ये भी याद रखना है। अब इसका जो आयोजन शुभारंभ किया गया, कहां से किया गया? ए माता वाराणसी से, बी आता लखनऊ से, और सी माता कानपुर से, और डी में अयोध्या। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, यानी अयोध्या से। अयोध्या किस नदी पर है? सरयू नदी पर है, सरयू नदी पर है। यहां से ये याद रखना है फ्रेंड्स। लखनऊ जो है गोमती नदी पर है, गोमती नदी पर बसा है। यहां से ये याद रखना है। वाराणसी जो है गंगा नदी पर है, गंगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट आता हमारा, भारत संकल्प यात्रा किस राज्य से विकसित की गई। यानी भारत संकल्प यात्रा ये जो है किस राज्य से विकसित की गई। चलिए फ्रेंड्स, इसके चार ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा इसका सही आंसर है देखते हैं। ए माता गुजरात, बी में हरियाणा, और सी में है तमिलनाडु, और डी में है पंजाब। सही आंसर होगा इसका फ्रेंड्स बी, यानी हरियाणा। नेक्स्ट में आता हमारा, किस राज्य को भारत की पेट्रो राजधानी के रूप में स्वीकार किया गया। यानी कौन सा राज्य होगा जिसे भारत की पेट्रो राजधानी के रूप में स्वीकार किया गया। ए माता गुजरात, बी में महाराष्ट्र, सी में आंध्र प्रदेश, और डी में गोवा। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, यानी गुजरात। और गुजरात जो है समुद्री सीमा बनाने वाला सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ से यह याद रखना है, नमक, कपास, नमक, इनमें जो है अग्रणी राज्य गुजरात है, सबसे अधिक यहीं पर होती है। यहाँ से ये भी ध्यान रखना है। और स्टेचू, दुनिया का सबसे ऊंची जो स्टेचू है, स्टेचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेचू है, ये गुजरात में बना है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यूपी पुलिस के एग्जाम के लिए। ए माता अयोध्या नाथ, बी मा अयोध्या नगर, सी मा अयोध्या धाम, और डी मा अयोध्या चमन। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, यानी अयोध्या धाम। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या धाम कर दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, UAPA के तहत मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर को किस मंत्रालय ने गैर कानूनी घोषित किया। ए माता गृह मंत्रालय, बी में सहकारिता मंत्रालय, सी में शिक्षा मंत्रालय, और डी में ग्रामीण विकास मंत्रालय। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, यानी गृह मंत्रालय ने जो है UAPA के तहत मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर को किस, यानी कि गैर कानूनी घोषित कर दिया। नेक्स्ट में आता हमारा, मार्च 11 कैरियर रॉकेट को किस देश ने सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लॉन्च किया। ए माता जापान, बी में चीन, और सी में रूस, और डी में अमेरिका। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, यानी चीन। चीन ने जो है मार्च 11 कैरियर रॉकेट को किस, यानी कि सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। और प्रथम देश जिसने लकड़ी का रॉकेट लॉन्च किया था, वो भी चीन ही है। यहाँ से भी याद रखना है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, CISF प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन बनी। ए माता माही सिंह, बी में श्वेता सिंह, और सी में नीना सिंह, और डी माता हमारा रमा सिंह। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, यानी नीना सिंह। नेक्स्ट आता हमारा,
मिस एंड मिसेज महाराष्ट्र 2023 किसे चुना गया? ए माता डॉक्टर सालिंगा भटनागर, बी माता डॉक्टर रानी गुप्ता, सी में डॉक्टर महेशबरी और डी में डॉक्टर कमला वर्मा। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ये डॉक्टर सालिंगा भटनागर को जो है मिस एंड मिसेज महाराष्ट्र 2023 के लिए चुना गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न आता हमारा कार्बी युवा महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ए माता ओडिशा, बी में असम और सी में बिहार और डी में मध्य प्रदेश। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी यानी असम। असम में जो है कार्बी युवा महोत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा। डिगबोई किस राज्य में है? डिगबोई तेल संयंत्र कारखाना है डिगबोई, असम में है। माजुली द्वीप संसार का सबसे बड़ा द्वीप असम में है। और ढोला सादिया जो ब्रिज है ये पुल है ये भी असम में है और लोहित नदी पर है, यहाँ से ये भी याद रखना। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट आता हमारा प्रजा पालन कार्यक्रम किस राज्य सरकार ने शुरू किया? ए में गुजरात, बी में राजस्थान और सी में तेलंगाना, डी में महाराष्ट्र। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी यानी तेलंगाना ने जो है प्रजा पालन कार्यक्रम लॉन्च किया है। नेक्स्ट आता हमारा 1 जनवरी 2024 को भारत का पहला एक्सरे पोलारीमीटर उपग्रह कौन लॉन्च करेगा? ए माता डीआरडीओ, बी माता इसरो और सी माता नासा और डी में नासकॉम। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी यानी इसरो। इसरो की जो स्थापना हुई 15 अगस्त 1969 में हुई, यहां से ये भी याद रखना फ्रेंड्स। इसके जो अध्यक्ष हैं 10वें एस सोमनाथ हैं, एस सोमनाथ, यहां से ये भी याद रखना फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता हमारा बहुत अच्छा प्रश्न है, पेपर में आपको देखने को मिलेगा। किस विश्वविद्यालय ने मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2023 जीती? ए माता बनारस विश्वविद्यालय, बी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय, सी में गुरु नानक देव विश्वविद्यालय और डी में लखनऊ विश्वविद्यालय। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी यानी गुरु नानक देव विश्वविद्यालय पंजाब में पड़ता है ये। इसने जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2023 जीत ली। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट आता हमारा किस मंत्रालय ने भूमि राशि पोर्टल लॉन्च किया? ए माता कृषि मंत्रालय, बी में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और सी माता हमारा शिक्षा मंत्रालय, डी में है ग्रामीण विकास मंत्रालय। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। और भारत में जो है सड़क परिवहन यानी कि बिहार राष्ट्रीय सड़क संगठन की स्थापना जो हुई थी 1960 में हुई, यहां से ये याद रखना फ्रेंड्स। नेक्स्ट आता हमारा गीता महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? ए माता हरियाणा, बी में तमिलनाडु, सी में गुजरात और डी में आंध्र प्रदेश। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए यानी कि हरियाणा। हरियाणा में जो है गीता महोत्सव का आयोजन किया गया। नेक्स्ट प्रश्न आता हमारा पेंटोए टैगोरी क्या है जो हाल ही में खबरों में रहा, अभी हाल ही में जो खबरों में रहा था? ए में विषाणु, बी में जीवाणु, सी में प्रोटोजोआ, डी में वायरस। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी यानी कि जीवाणु। नेक्स्ट प्रश्न आता हमारा विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च सिस्टम फतेह 2 का सफल परीक्षण किस देश ने किया? ए माता भारत, बी में रूस, सी में अमेरिका और डी में पाकिस्तान। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी यानी पाकिस्तान ने जो है फतेह 2 मिसाइल है ये और इसका जो सफल परीक्षण किया। नेक्स्ट प्रश्न आता हमारा पहला सीनियर नेशनल स्कूनर खिताब पाने वाला खिताब अपने नाम किसने किया? यानी पहला होगा ये सीनियर नेशनल स्कूनर खिताब जो है किसने अपने नाम कर लिया? ए माता बाबर आजम, बी माता है सौरभ कोठारी और सी में है रमेश बाबू और डी माता हमारा सुरेश मेहता। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी यानी सौरभ कोठारी ने जो है ये पुरस्कार अपने नाम कर लिया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न आता हमारा पहली बार किस राज्य ने विजय हजारा ट्रॉफी का खिताब जीता, यानी पहली बार जीता है? ए में पंजाब, बी में तमिलनाडु, सी में मध्य प्रदेश और डी में हरियाणा। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी यानी हरियाणा ने जो है पहली बार विजय हजारा ट्रॉफी का खिताब अपने नाम कर लिया। तो फ्रेंड्स ये थे करंट अफेयर्स में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और यहां से आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। कैसी लगी वीडियो? वीडियो और अच्छी लगी हो तो ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।